देश में इस वक्त राजनीतिक खबर यही है कि कांग्रेस को वोट पड़े हैं खटाखट खटाखट और खटाखट। कई लोकसभा सीटों से बीजेपी हुई है सफाचट सफाचट, ये कॉमन नैरेटिव है जो इस वक्त पूरे देश में फैला हुआ है। इसी खबर को अगर आप दूसरी नजर से देखें तो पता चलता है कि दरअसल कहानी महज इतनी है कि एक पार्टी से टॉप करने की उम्मीद लगाई जा रही थी और वो पार्टी पास तो बहुत अच्छे नंबर से हो गई लेकिन टॉप नहीं कर पाई और इस वजह से उसी चुनाव परीक्षा में उतरे दल जो इस बार ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं वो टॉपर के टॉप न कर पाने की खुशी मना रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं और ये उनकी हिस्टोरिक हैट्रिक है। 1989 के बाद से देश में हुए चुनावों के अगर नतीजों को देखिए, जहां 89 में राजीव गांधी कांग्रेस 197 सीटें लेकर आई और सरकार नहीं बना पाई, इसके बाद 1991 में कांग्रेस 232 से ज़्यादा सीटें लेकर आई और नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। 1996 में बीजेपी ने 161 सीटें ले आई और बीजेपी सरकार बनाई, अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, हालांकि सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, 13 दिन के अंदर सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण ऐतिहासिक भाषण जो है जिसमें लोकतंत्र रहना चाहिए, ऐतिहासिक शब्दों का जो जिक्र है, हर बार लोकतंत्र का जब जिक्र होता है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का वो भाषण याद आता है। 98 में बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बनाई, 182 सीटें बीजेपी लेकर तबाही थी, हालांकि सरकार भी 13 महीनों के बाद गिर गई थी। लेकिन अगली बार 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी 182 सीटें लेकर आए और सरकार उन्होंने बनाई, ये सरकार पूरे 5 साल तक चली। इसके बाद 2004 में 145 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई, मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने। 2009 में 206 सीटों के साथ कांग्रेस ने यूपीए 2 की सरकार बना ली। 2014 में तस्वीर बदली, नरेंद्र मोदी ने 2014 में 282 सीटों के साथ इतिहास रचा और राजीव गांधी के बाद एक लंबे अरसे के बाद पूर्ण बहुमत मजबूत सरकार दिखाई दी। 2019 में भी बीजेपी एक बार फिर से 303 सीटें लेकर आई और ये जीत इतिहास में दर्ज हो गई। इस बार बीजेपी को डंट लगा है थोड़ा सा, 240 सीटों तक बीजेपी सिमटी जरूर, लेकिन अगर आप इन सीटों को गौर से देखेंगे तो मालूम चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐतिहासिक जीत है। हालांकि इस बार ये जीत गठबंधन वाली सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में जो सबसे अहम सवाल है कि मंत्रालयों का बंटवारा आखिर होगा कैसे, इस बंटवारे को समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी 3.0 में कैसे होगा मंत्रालयों का बंटवारा। दरअसल कुल मंत्रालय हैं 52 मंत्रालय हैं और 94 विभाग हैं। 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो सबसे सुपीरियर, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार, उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों के अंडर में जो मंत्री काम करते हैं राज्य मंत्री MOEs जिनको जाहिर तौर पर कहा जाता है। अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 81, ये फॉर्मूला है किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो, इसके साथ साथ कोई विधानसभा हो, वहाँ की कुल संख्या के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो 15% आंकड़ा जो है वो मंत्रियों को बनाया जा सकता है। 543 का 15% लमसम ये 81 आएगा और यही फैक्ट है, 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब कुल मंत्रालय हैं 82 और 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन बंटवारा होगा कैसे अब ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर बंटवारे की शुरुआत कैसे होगी और बाकी जो अलग अलग दल हैं NDA में बीजेपी के साथ, उनको किस तरह से इसमें भागीदारी दी जाएगी, अब ये समझने की बारी है कि आखिर इन 81 मंत्रालयों में अलग अलग डिमांड क्या है और डिमांड्स के साथ साथ इनको सेट कैसे किया जाएगा। दरअसल सड़क परिवहन सहयोगी को देंगे मोदी, ये सवाल इस वजह से है क्योंकि मौजूदा मंत्री हैं नितिन गडकरी, नेशनल हाईवे निर्माण में शानदार काम किया है, रोड सेफ्टी पर काम किया जा रहा है और अगर इस सरकार में सबसे बेहतर मंत्रालय किसी का काम करने के मामले में रहा कश्मीर से लेकर कोच्चि तक और ओडिशा से लेकर गुजरात तक, तो उसमें नितिन गडकरी का नाम सामने आता है। डिमांड उस मंत्रालय की लगातार की जा रही है। उससे पहले आपको तस्वीर अर्जुन मुंडा की भी दिखा रहे हैं, कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था हालांकि चुनाव वो हार गए हैं। इस मंत्रालय की डिमांड TDP और JDU दोनों कर रहे हैं। सहयोगी को क्यों नहीं देना चाहेंगे मोदी, क्योंकि मोदी की 5 जातियों में एक किसान है, ज्ञान जो फॉर्मूला था उसमें भी किसान है और इसके साथ साथ देश की 80% आबादी जो है वो भी कृषि पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, किसानों के वेलफेयर पर लगातार काम हो रहा है। यही वजह है कि मोदी खुद चाहेंगे कि किसी अपने भरोसेमंद साथी को, किसी अपने भरोसेमंद सांसद को ये मौका दिया जाए, ये मंत्रालय दिया जाए। अर्जुन मुंडा तो हारे हैं, देखना होगा मौका किससे मिलता है। अब अगले एक और मंत्रालय की तरफ रुख करते हैं जिसको लेकर डिमांड जारी है। चिराग को किस मंत्रालय की उम्मीद है, चिराग उम्मीद क्यों कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग की, क्योंकि उनके चाचा जो हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पशुपति पारस के पास ये मंत्रालय था फूड प्रोसेसिंग का। उनके पिता जब तक जीवित थे तब खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का विभाग जो है वो संभाल रहे थे।
और ऐसे में तीसरा रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय भी रामविलास पासवान संभाल चुके हैं, तो चिराग को उम्मीद होगी कि एक बड़ा विभाग इन तीनों में से कोई एक उनको मिल सकता है, ये माना जा रहा है। सबसे अहम जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो क्या डिमांड उसको लेकर है। फिलहाल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, कई बड़े काम इसमें हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन का काम हो रहा है, वंदे भारत चल रही है और साथ ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से जारी है, लेकिन डिमांड नीतीश भी कर रहे हैं, खुद रेल मंत्री भी रह चुके हैं नीतीश कुमार। और दूसरी तरफ इसको लेकर बिहार में रेलवे के कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा कराना उनका मकसद हो सकता है, लेकिन क्या इसको लेकर नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर भी मानेंगे। पार्टी और तमाम पहलू तो अलग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या ये मंत्रालय देना चाहेंगे जेडीयू को। चिराग को लेकर अगर बात की जाए, चिराग को किन मंत्रालयों की उम्मीद होगी? फिलहाल फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि उनके चाचा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये विभाग संभाल रहे थे। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले की उम्मीद उनको इसलिए होगी क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान के पास ये मंत्रालय था। और तीसरा मंत्रालय रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय को लेकर भी उनको उम्मीद है। हालांकि चिराग पासवान का कहना है कि उन्हें किसी मंत्रालय की कोई इच्छा नहीं है और ना ही उन्होंने कोई ऐसी शर्त रखी है। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं, ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। लेकिन देखिए, हर कोई चिराग पासवान नहीं होता और उनकी तरह सोचता भी नहीं है। खबर है कि एक भी सीट ना जीत पाने वाले रामदास आठवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं, एक मंत्री पद की मांग कर बैठे हैं। उनकी पार्टी से कोई लोकसभा नहीं जीता, वो खुद भी अकेले राज्यसभा के सांसद अपनी पार्टी से, लेकिन उन्होंने मंत्रालय की डिमांड कर दी है। अब आगे एक और पहलू पर बात करें, लेकिन उससे पहले समझिए कि ये कितना अहम है। बीजेपी अब तक 10 साल से अपने बूते पर अपने पूर्ण बहुमत के आंकड़े के साथ सरकार में थी, इसके बावजूद बीजेपी ने एनडीए के उन सहयोगी दलों को पूरी जगह दी, पूरा सम्मान दिया, मंत्रिमंडल में भी जगह दी। जहां तक कि 2 सांसद वाली अपना दल जो है यूपी की, उनमें से अनुप्रिया पटेल को मंत्रालय दिया गया। इसी तरह से अलग अलग जितने भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उनको एनडीए में जगह दी गई थी। बीजेपी चाहती तो अकेले सरकार चला सकती थी, लेकिन इसके बावजूद एनडीए की सरकार बीजेपी ने चलाया, नरेंद्र मोदी ने उन तमाम घटक दलों को उचित जगह दी। खुद रामदास आठवले अकेले नेता थे एक तरह से, उनको भी केंद्र में मंत्री पद दिया गया। इसी तरह से जैसे हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी अनुप्रिया पटेल की पार्टी को जगह दी गई, तमाम राज्यों में जो भी सहयोगी दल थे उनको उचित सम्मान दिया गया। लेकिन इस बार अब बार्गेनिंग की तैयारी और तस्वीर दिख रही है।